हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट की मैथ्स वर्कशीट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे नंबर नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट है इसमें 620, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 620। इसमें आप बच्चों को वंस, टेंस और हंड्रेड्स इस तरह से आप पहले बताएंगे। तो हम किस तरीके से करना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, वंस को पहले लिखते हैं, फिर टेंस को और फिर हंड्रेड को। उसके बाद आता है 504, तो यहाँ पर 500, तो हंड्रेड की पोजीशन पे क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद हंड्रेड की पोजीशन पे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे, और लास्ट में 4, तो 504 इस तरीके से। उसके बाद आता है 200, तो 200 को हम डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद 736, तो 7 हो गया आपका 100 की पोजीशन पे, और 30 मीन्स 10 की पोजीशन पे, यानी कि 3 और फिर 6 इस तरीके से। उसके बाद आता है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं, इसे हमें किस में लिखना है, वर्ड्स में। जैसे 630, तो इसको कैसे लिखेंगे, 630। आप इस तरीके से बच्चों को करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 407, यानी 407, तो 407 इस तरीके से। नेक्स्ट आता है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर को एक्सपेंड करके लिखा गया है। जैसे यहाँ पे 300 प्लस 70 फिर 5, तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट नंबर है, ये आपका किस कौन सी पोजीशन पे है, वंस पे, इसको हम टेंस बोलेंगे और इसको हम हंड्रेड बोलेंगे, तो इसकी हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। जैसे वंस की पोजीशन पे 5 है, तो 5 लिख देंगे, टेंस की पोजीशन पे क्या है, 70, तो 7 लिखेंगे, और 300 हंड्रेड की पोजीशन पे है, तो 3 लिखेंगे। इस तरीके से बहुत इजी होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे 100 प्लस 80 प्लस 6, तो फिर से वही 6 1 की पोजीशन पे, फिर 80 यानी 8, उसके बाद 100 मीन्स 1, 186। उसके बाद आता है 600 प्लस 70 प्लस 3, इसको भी ऐसे करेंगे, 3 फिर 7 और फिर 6। नेक्स्ट 460 प्लस 2, तो कैसे लिखेंगे, 2 6 देन 4। नेक्स्ट आता है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म देखी थी, उसी तरीके से इनको हमें करना है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 833, तो इसको कैसे करेंगे, पहले वंस लिखो यहाँ पे, फिर टेंस और हंड्रेड, हर जगह इसी रूल को फॉलो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 किसकी पोजीशन पे है, 100, तो हम क्या लगाएंगे, 2 जीरोस लगाएंगे इसके पीछे। उसके बाद प्लस 33 है, तो यहाँ पे ये जो 3 है किसकी पोजीशन पे है, टेंस की, तो यहाँ पे 30, उसके बाद फिर 3, तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे 716, तो इसको कैसे करेंगे, 700 प्लस 10 देन 6 इस तरीके से। उसके बाद है 268, तो 200 प्लस 60 प्लस 8 नेक्स्ट। उसके बाद आता है ऐड। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड करने हैं। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे 4 और 2 हमें प्लस करने हैं, तो हम दो तरीके हैं, या तो फिंगर से काउंट कर सकते हैं, या फिर लाइंस ड्रॉ करके भी हम कर सकते हैं। तो हम फिंगर का यूज़ करेंगे, 4 हमारा लिखा हुआ है, 2 और ऐड करना है, तो 5 6। जैसे ये हम काउंट करके सीखते हैं, 1 2 3 फिर 4 5 6, तो ये अलग अलग होते हैं ना, तो हम इसे काउंट करेंगे। तो 4 में हमें 2 और ऐड करने हैं, तो 5 6 6 हो गया। उसके बाद
एट और थ्री को प्लस करना है, तो एट हमारा बड़ा नंबर है तो हम एट के बाद स्टार्ट करेंगे नाइन टेन इलेवन इस तरीके से। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, सिक्स में से हमें फोर को माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, सिक्स में से फोर को माइनस करने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें भी सब्ट्रैक्शन का मेथड बताया था किस तरीके से हम करते हैं, बहुत ईजी होता है वो। तो कैसे करेंगे, सिक्स से हम अपोजिट काउंटिंग करेंगे, मीन्स फाइव फोर थ्री टू, यहाँ पर क्या है वन टू थ्री फोर, फोर नंबर्स तक हम आना है, हमें आना है, तो हम क्या करेंगे सिक्स के बाद बैक काउंटिंग करेंगे फाइव फोर थ्री टू, तो आंसर इज टू। उसके बाद नाइन से थ्री को माइनस करना है, तो क्या करेंगे एट सेवन सिक्स। उसके बाद आता है फिल, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें स्मॉलर ग्रेटर का देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो 133 और 193 इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, ये है। उसके बाद आता है 711 और 586, इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। ठीक है, हमेशा हम ग्रेटर और स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को चेक करते हैं, उसके बाद अगर हमारी फर्स्ट डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे सेकंड डिजिट को चेक करते हैं, तो बट हमारा यहाँ पे ये वाली पहली ही बड़ी है तो हमारा ये ग्रेटर होगा। उसके बाद है 319 और 218, तो कौन सा वाला बड़ा है, ये 319। ऐसे ही इधर ये दोनों नंबर क्या हैं, बिल्कुल सेम है। उसके बाद 198 बड़ा है या 169, अब देखो यहाँ पे 1 और 1 दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 6 है, तो कौन सा बड़ा नंबर हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। इसी तरीके से आप भी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग एडिशन फैक्ट्स। यहाँ पर क्या है 7 × 2, अब यहाँ पर क्या है मल्टीप्लीकेशन है ये, तो मल्टीप्लीकेशन में हम इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 × 2 14, बट हमें क्या यूज़ करना है एडिशन फैक्ट यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है इससे इस नंबर को हमें यूज़ करना है, और जो सेकंड नंबर लिखा है 2, इसका मतलब हमें 2 × 7 को प्लस करना है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एडिशन फैक्ट। अब आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, जैसे 7 × 2 = 14 और 7 और 7 को प्लस करेंगे तो भी आपका क्या आएगा 14 आएगा, तो इस तरीके से हम इनको करते हैं। जैसे ये है 3 × 4 = 12, तो हम क्या करेंगे 3 को यूज़ करेंगे और 4 टाइम्स लिखेंगे इस तरीके से, प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। उसके बाद 5 × 3, तो इसको क्या करेंगे 5 + 5 + 5, तो आंसर इज 15। नेक्स्ट 6 × 1, तो अब इसको हम क्या करेंगे सिर्फ 6 ही लिखेंगे क्योंकि 1 टाइम लिखना है। इन नंबर्स को हम अपोजिट भी कर सकते हैं, मीन्स अगर हमें इसका यूज़ करना है तो हम 2 को लिखेंगे यहाँ पर और 7 टाइम्स लिखेंगे, तो मतलब बात वही रहेगी, आंसर हमारा सेम आएगा। उसके बाद आता है सॉल्व द फॉलोइंग, जैसे 9 + 0, तो 9 + 0 मीन्स 0 का मतलब क्या होता है, 0 मीन्स कुछ नहीं है, तो हमें सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा 9। उसके बाद 34 + 1 कितना आएगा 35। 8 − 1, 8 में से 1 को माइनस करना है तो आंसर इज 7। 7 + 2 = 9 और 0 + 5 = 32, 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारा आंसर 532 ही आ जाएगा। उसके बाद आती है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ शॉपकीपर हैड 430 एग्स, 210 एग्स आर ब्रोकन, हाउ मैनी एग्स वर लेफ्ट विद हिम। अब इसका क्या मतलब है कि एक शॉपकीपर के पास 430 एग्स थे, बट उसमें से 210 एग्स जो है वो टूट गए, तो हमारे पास या उसके पास मतलब कितने एग्स बचे, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें रिमाइंडर बताना है, इसका मतलब क्या है, हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस का
साइन लगा लेते हैं। लैंग्वेज को समझ के हमें ये पहले पता लगाना होगा कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, थ्री में से वन को माइनस करेंगे टू आ जाएगा, और फोर में से टू को माइनस करेंगे टू आ जाएगा, तो यानी 220x आर रिमेनिंग या आर लेफ्ट। तो इस तरीके से हम बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम सिखा सकते हैं, एडिशन फैक्ट सिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मैथ्स की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।